आज हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में जानेंगे और इंग्लिश अल्फाबेट से एग्जाम में कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उस हर टाइप को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ए से जेड तक टोटल 26 वर्ड होता है, जिसमें प्रथम अर्धांश ए से एम हो गया और द्वितीय एन टू जेड हो गया, 13 13 26। और ए से जेड टोटल 26 वर्ड होता है, बाईं से देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही जाएगा जेड तक, और दाईं से देखे तो जेड 26, फिर यदि उधर से हम गिनना शुरू करें तो जेड हो जाएगा 27, वैसे ही सिमिलरली आगे जाते रहेगा। यदि हम लोग ए से जेड तक वर्ड का नंबर को याद करना चाहें तो हम लोग ई जे ओ टी वाई की मदद से याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ई का हो गया 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। अब इससे हमको कोई पूछे कि एक्स कितने नंबर पे आता है बाईं तरफ से, तो हम लोग बता सकते हैं 24। फॉर एग्जांपल, तो हम लोग टाइप डिस्कस करते हैं, तो टाइप 1 में हो गया कि बाईं तरफ से 20वां वर्ड कौन सा होगा। तो हम लोग ई जे और टी वाई याद किए हैं, तो यहाँ देखेंगे 20 पर कौन सा है, टी तो टी हो जाएगा। वैसे ही कोई पूछ देगा कि 18 पर कौन सा आएगा, 18वां वर्ड, तो 15 16 17 18। 15 पर कौन है, ओ, तो एम एन ओ पी क्यू आर। 18 पर कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। टाइप 2 में है कि दाईं ओर से युवा अक्षर, दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाईं ओर से कौन है यानी जेड की तरफ से 8वां अक्षर क्या होगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला यूज करेंगे, 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 19। तब हम लोग 19वां अक्षर बाईं तरफ से फाइंड करेंगे। क्या ट्रिक है कि दाईं ओर से 8वां अक्षर क्या होगा, दाईं ओर से यानी जेड तरफ से 8वां अक्षर क्या होगा। तो 8वां अक्षर निकालने के लिए हम लोग 27 में 8 काटेंगे तो बचेगा 19, और हम लोग बाईं ओर से देखेंगे 19 नंबर पे कौन सा आता है, तो 20 पर आता है टी, तो इसके जस्ट पहले 19 आ जाएगा एस, तो 19 पर कौन सा हो जाएगा यानी इसका मतलब कि दाईं तरफ से 8वां वर्ड एस होगा। अब टाइप 3 देखते हैं। टाइप थ्री है अभी तक हम लोग दाएं का अलग और बाएं का अलग क्वेश्चन देखे, अब टाइप थ्री क्या आ जाएगा, दाएं और बाएं दोनों का मिश्रण होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर के बाएं तरफ के अक्षर वे अक्षर होते हैं जिधर हमारा बायां होगा, उसी तरह दाएं तरफ के अक्षर वे अक्षर होंगे जिधर हमारा दायां होगा। इसका मतलब एफ के ठीक बाएं, ये एफ जी एच इधर ई, हम लोग पूछे हैं कि एफ के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा, तो ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां, तो बाएं तरफ हो जाएगा ई और दाएं तरफ हो जाएगा जी। वैसे ही यदि क्वेश्चन है कि वर्णमाला में बाएं से 4, इसका मतलब कि वर्णमाला में बाएं ओर से चौथा अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, यानी बाएं तरफ चौथा अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। इसके लिए एक ट्रिक होता है कि यदि प्रश्न में दोनों दिशाएं भिन्न हो, अर्थात एक बाएं और दूसरा दाएं हो, तो ऐसे स्थिति में हम लोग दोनों के पोजीशन को जोड़ देते हैं। जैसे मैं बाएं से चौथा और 8वां कितना हो गया 12। अब हम लोग सीधा 12वां अक्षर निकालेंगे, कैसे, ई जे ओ टी वाई, 12 अक्षर 5 10 10 11 12, जे के और एल, 12 पर कौन सा जगह एल, तो एल होगा आंसर। वैसे ही वर्णमाला में 18वां अक्षर, ऐसे ही दूसरा सवाल देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्णमाला में बाईं से 18 यानी बाईं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 18 और वर्णमाला में बाईं से 18वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, इसका मतलब कि 18वां अक्षर के बाएं फिर से तीसरा अक्षर क्या होगा। वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, इसमें क्या है, दोनों बाएं हैं, यदि इसका ट्रिक है कि यदि दोनों दिशाएं एक ही रहे, अर्थात बाएं बाएं या दाएं दाएं, तो दोनों पोजीशन को घटा देते हैं, तो हम क्या करेंगे, 18 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब 15वां अक्षर हम लोग बाएं से देखेंगे तो ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ, तो 5 10 हो जाएगा 15, तो 15वां अक्षर कौन सा हो जाएगा ओ। तो क्या है, यदि दिशा अलग अलग रहे तो जोड़ देंगे और दिशा सेम रहे तो घटा देंगे। और टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 में है वर्णमाला में अक्षर की संख्या को ज्ञात करना, कि जैसे कि 9वां और 10वां अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। फॉर एग्जांपल, टाइप 4 का, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां तथा दाईं ओर से 10वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसका एक ट्रिक होता है कि एवरेज निकाल के हम लोग वर्ड का फाइंड कर लेते हैं।
क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से नौवा, बाई ओर से नौवा, बाई से हम लोग नौवा लिए तथा दाई ओर से दसवा। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी दाई ओर से वर्ड फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 27 माइनस बीवा। तो कितना कर रहे हैं, दाई ओर से दसवा, तो दाई ओर से 27 माइनस 10 करेंगे बटा 2 कर देंगे, तो आ जाएगा 9 प्लस 17 बटा 2 बराबर आ जाएगा 26 बटा 2 बराबर 13। तो 13 पर देखेंगे कौन सा होगा, ई जे ओ 5 10 15 13 13 14 15 तो एम हो जाएगा। 13 पर कौन सा होगा, एम। क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से नौवा तथा दाई ओर से दसवा अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, एम। कैसे फाइंड किए, बाई ओर से था उसको उसी तरह रख दिया और दाई ओर से 27 माइनस 10 बटा 2 आ गया कौन सा 13वां अक्षर, तब बाई ओर से 13वां अक्षर 13 होगा फाइंड कर लिया। उसी तरह यदि ये 13 मेरा पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या आ गया तो हम लोग वर्ड बता देंगे। यदि यहीं पर मेरा 13.5 12.5 आता है इसका मतलब कि हम लोग कोई अक्षर नहीं होगा उसका, उसके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। जब तक ये पूर्ण संख्या नहीं आएगा तब तक हम लोग अक्षर नहीं बता सकते कौन सा अक्षर होगा। उसी तरह वर्णमाला में एच और टी के बीच कौन सा अक्षर आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में एच और टी के बीच कौन सा अक्षर आएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एच का, एच कितने नंबर पे आता है और टी कितने नंबर पे आता है उसको हम लोग देखेंगे। तो ई जे ओ टी वाई 5 10 15 20, टी आ गया 20 पर, हम लोग को एच फाइंड करना है। ई एफ जी एच 5 6 7 8, 8 हो गया। फिर इसके एवरेज निकालेंगे, 8 10 2 कितना 28 बटा 2 हो जाएगा 14। 14 कौन सा होगा, 15 के जस्ट पहले, तो एन हो जाएगा, एन अक्षर। इसका मतलब वर्णमाला में एच और टी के बीच एन अक्षर होगा। कैसे फाइंड किए, एच कितने नंबर पे आता है वो लिख लिए और टी कितने नंबर पे तो वो लिख लिए, दोनों के एवरेज निकाल लिए। जो वर्ड आया, जितना नंबर आया वो उस नंबर का वर्ड फाइंड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे एग्जाम्पल में ए और सी के बीच कितने अक्षर होंगे, तो हम लोग समझते हैं ए बी और सी, तो 1 2 3 ए और सी के बीच कितने अक्षर होंगे, सिर्फ 1 है तो 1 ही आना चाहिए मेरा। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो ए का नंबर कितना है 1, सी का नंबर है 3, तो 3 माइनस 1 कर देंगे और फिर -1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 के बराबर। उसी तरह फॉर एग्जाम्पल ई और आर के बीच कितने अक्षर होंगे, तो ई कितने पर आता है 5 पर और आर कितने पर आता है 18 पर, इसको घटाएंगे तो 18 माइनस 5 माइनस 1 13 माइनस 1 हो जाएगा 12। ई और आर के बीच कितने अक्षर होंगे 12, ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे। उसी तरह एक क्वेश्चन है वर्णमाला में बाई ओर से 5वां तथा दाई ओर से 10वां अक्षर के बीच कितने होंगे, 5वां अक्षर कौन सा आता है, ई हो गया और 10वां अक्षर जे हो गया, 5वां हो गया ई और 10 हो गया कर है, दोनों के बीच कितने अक्षर होंगे। जब भी क्वेश्चन है दाई ओर से तो उसको हम लोग 27 से घटाएंगे और जो बाई रहेगा उसको वैसे ही लिख देंगे। क्वेश्चन में है वर्णमाला में बाई ओर से 5वां, तो बाई को वैसे ही लिख देंगे 5 माइनस और दाई ओर से 10वां, तो 27 माइनस 10। अब कह रहा है बीच कितने अक्षर होंगे, तो कितने अक्षर होंगे इसके लिए हम लोग -1 करते हैं और कैलकुलेट करेंगे 5 माइनस 17 माइनस 1 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमेशा हम लोग 12 से छोटा से घटाते हैं, तो 27 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 1 कितना जाएगा, 17 माइनस 6 हो जाएगा 11। इसका मतलब कि वर्णमाला में बाई ओर से 5वां तथा दाई ओर से 10वां अक्षर कितने होंगे, 10वां अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे, 11 अक्षर होंगे टोटल। तो इस टाइप में हम लोग कौन सा सवाल किए, टाइप 4 में हम लोग देखें अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 9वां तथा दाई ओर से 10वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, दोनों के बीच का जब फाइंड करना था तो एवरेज निकालें और उनके बीच कितना अक्षर होगा उसके लिए हम लोग इस मेथड को अपनाएं और कितने अक्षर होंगे उसके लिए भी हम लोग एवरेज निकालें। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप फाइव है कि शब्दकोश के अनुसार शब्दों को सजाना, शब्दकोश के अनुसार शब्दों को सजाना है, जैसे में है कंसीडर और कंसाइज, दोनों में पहले कौन लिखाएगा, तो C O N, दोनों में सेम है उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर S है और यहाँ पर C है, पहले कौन है, C आता है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग
कंसाइल, फिर लिखेंगे कंसीडर, ये हो गया मेरा टाइप फाइव। टाइप सिक्स है, यदि शब्द रीजनिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, मतलब कि जोड़े हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। इसका मतलब कि वैसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल में ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि रीजनिंग लिख देंगे और जो जितना नंबर पे आता है उसको हम वो नंबर लिख देंगे। अब हम लोग सपोज करते हैं कि आर और ई मेरा युग्म जोड़ा है, तो 18 पर होता है आर और 5 पर होता है ई, तो घटाएंगे तो कितना होगा, आर और ई के बीच का वर्ड कितना होंगे। इसका फाइंड करने का तरीका है 18 - 5 - 1 हो जाएगा 12। अब हम लोग देखेंगे कि इनके बीच का अंतर जो 12 आया, क्या इन दोनों के बीच में 12 वर्ड है, नहीं है तो मेरा युग्म जोड़ा नहीं होगा। ऐसे ही हम लोग आगे चेक करेंगे। हम लोग चेक करते हैं ए और जी को, ए और जी को चेक करते हैं, ए कितना है 1 और जी है 7, तो दोनों के बीच में वर्ड कितना होता है, 7 - 1 - 1 कितना हो जाएगा 5। अब गिनते हैं ए और जी के बीच 5 वर्ड है कि नहीं, 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब कि मेरा ए और जी पहला युग्म जोड़ा होगा। वैसा ही हम चेक करेंगे तो ओ और एन मेरा दूसरा होगा और आई और जी मेरा तीसरा युग्म होगा, इस तरह मेरा 3 युग्म जोड़ा होगा। नेक्स्ट टाइप है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा वर्ड मेजरमेंट से बना है, मतलब कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उन शब्दों को ज्ञात कीजिए जिसे नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है। तो हम चेक करेंगे तो ए बी और सी नहीं होगा और डी मेरा आंसर होगा। कैसे देखते हैं, एम ए एस टी ई आर, हम लोग देखते हैं टेंसेस क्यों नहीं होगा, टी ई एन एस ई एस तो एक ही है, इसमें डबल एस की यूज हुआ है, इसी तरह मेरा ए नहीं होगा, इसी तरह बी और सी भी नहीं होगा, डी मेरा आंसर करेक्ट होगा। मेरा नेक्स्ट टाइप है कि यदि कंट्रोवर्सियल शब्द के तीसरे चौथे और ग्यारहवें अक्षर से कोई शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर लिखें। इसका मतलब तीसरे चौथे और ग्यारहवें शब्द से यदि कोई शब्द बन रहा है तो उस शब्द का पहला अक्षर लिखें, और नहीं बन रहा है तो एक से लिखें, और यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तीसरे चौथे और ग्यारहवें अक्षर से तो उत्तर में एम लिखें। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर दिए, तीसरा अक्षर एन, चौथा अक्षर टी और ग्यारह नंबर है आई, कंट्रोवर्सियल वर्ड है आई, तो देखते हैं टी आई एन बन रहा है और एक है एन आई टी, तो पहला अक्षर यदि बनता तो मेरा आंसर होता टी, क्योंकि एक वर्ड बनता तो उस वर्ड का पहला अक्षर लिखना था, तो होता है आंसर टी। यदि नहीं बनता तो हम लोग लिखते हैं एक्स, और एक से ज्यादा बन रहा है तो हम लोग आंसर लिखेंगे एम, तो मेरा आंसर क्या होगा एम, ये नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप है मेरा टाइप नंबर 9, यदि इन्वेस्टिगेटर शब्द के प्रथम चार, द्वितीय चार तथा आगे भी यह क्रम जारी रहे को उलट दिया जाए तो आपके दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा। इसका मतलब कि प्रथम चार, द्वितीय चार और आगे भी ऐसे ही चार चार वर्ड को हम लोग उलट दें तो दाएं तरफ से मेरा 8 नंबर पे कौन सा अक्षर होगा। तो चार चार के जोड़ी बनाते हैं 1 2 3 4, 2 और 2 4, ये 2 2 4 पलट देते हैं, ई वी एन टी आई टी एस ई आर ओ टी ए, अब दाएं तरफ से 8 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग देखेंगे अब दाएं तरफ से आठवां अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दाएं तरफ से आठवां अक्षर कौन सा होगा जी। ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन से, चार ये हो गया, चार ये हो गया, चार ये हो गया, तो जो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8, अब हम लोग पलट देते हैं, पलटेंगे तो ये चार तो ऐसे ही रहेगा, इसको पलट देंगे तो जी आई टी एस, अब दाएं ओर से गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।